एक तो तुम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं थी? 2013 में तो हर कोई फेसबुक पे था। पता नहीं, maybe I had a meme page. चलो शुक्र है तुम्हें अपना नाम तो याद आ गया। प्लीज़ अपने दिमाग पे थोड़ा और जोर डाल के अपनी यूनिवर्सिटी का नाम याद कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो तुम थी। अब अगला क्लू वहीं से मिलेगा। आसपास की यूनिवर्सिटीज़ देख लो, शायद कुछ याद आ जाए। शायद ये किसी दोस्त वोस्त का नाम ही याद कर लो। ये फेसबुक का लेआउट हमेशा से ऐसे ही था? अबे नहीं, पिछले 7 सालों में कोई 10 बार बदल चुका है। तुम्हारी इतनी सारी नोटिफिकेशंस आई ना, चेक क्यों नहीं करते? फेसबुक कौन यूज़ करता है अब? तो फिर क्या करते हो? अब तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। दिस इंस्टाग्राम, दिस स्नैपचैट, दिस टिकटॉक। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो याद आ गए, पर ये टिकटॉक क्या है? वो एक अलग ही दास्तान है, तो मैं फिर कभी बताऊंगा। ओके। चलो आज ये भी चेक कर ही लेता हूँ। ये कौन है? जूनियर है, कोई खास जान पहचान नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं इसको जानती हूँ? वाकई? सायरा रिजवान। आई थिंक आई नो हर। पर ये तो मेरी यूनिवर्सिटी में है, तुम कैसे जानती हो इसे? आई हैव नो आइडिया। Listen, कुछ याद आ रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा। पर तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में फिर ट्राई करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक। हेलो, क्या हुआ? चलो। कहाँ? गेट अप, जस्ट फॉलो मी। आ जाओ। I wonder if I had any friends. अबे दोस्त तो सबके होते हैं, तुम्हारे भी होंगे। पर याद एक भी नहीं। By the way, हमारी लूडो का राउंड 2 भी रहता था। देखो, अपने टाइम पर सब याद आ जाएगा, डोंट फोर्स इट। कुछ याद आना होता तो कब का आ चुका होता। थोड़ी देर में दोबारा रिसर्च कर लेंगे ना, इसलिए जब तक कुछ याद नहीं आ रहा, स्टिल सम टाइम। हारिस, किससे बातें कर रहे हो? अब अम्मी, वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन है ना, उसी की तैयारी चल रही थी। टीवी देखते हुए? जी, वो इसी में से तो कुछ निकालना है, वो कुछ नोट कर रहा था मैं। इससे पहले मेरी अम्मी मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं, चलो ऊपर। बिना चीटिंग किए जीतो ना तो मानूंगा। तुमसे जीतने के लिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो, उस दिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलता देखकर मैं भी सोचने पड़ गई, बट इफ आई यूज्ड टू प्ले बोर्ड गेम्स विद माई फ्रेंड्स। शायद लूडो ही खेलती हो और हमेशा हारती हो। मेरी डिस्ट्रैक्शन का अच्छा फायदा उठा रहे हो। What if सायरा रिजवान ही मेरी दोस्त हो? पर वो तो मेरी भी जूनियर है, तुम उसे कैसे जानती होगी? पता नहीं यार, पर उसकी तस्वीर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। 7 साल पहले तो वो बिल्कुल बच्ची होगी। हाँ, उसकी कोई बड़ी बहन हो तो वो एक अलग कहानी है। Yes, and I won. हारिस, कहा था ना बिना चीटिंग किए तो मुझसे जीत ही नहीं सकती। क्या हुआ, बोलती बंद? सायरा की कोई बड़ी बहन है? मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि उसकी एक बड़ी बहन भी है। I hope this works. Mashal Rizwan. That's her. My friend. बल्कि I think my best friend. तुमने सायरा को ही मैसेज किया था ना? जाहिर है, मशल को थोड़ी करूंगा, वो तो जानती भी नहीं मुझे। तो क्यों नहीं आया अब तक मैसेज? फौरन थोड़ी दे देगी जवाब, थोड़ा सब्र करो। वैसे वो वियर्ड कोइंसिडेंस। व्हाट कोइंसिडेंस? ये कि तुम मेरी यूनी में थी। हाउ स्ट्रेंज। अब इतना कुछ हो चुका है कि नथिंग सीम्स स्ट्रेंज एनीमोर। मैसेज क्या है, पढ़ाओ। हारिस, मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। अम्मी का मैसेज था। तुम्हें भी तो सिर्फ तुम्हारी अम्मा ही मैसेज करती हैं। खैर अब ऐसा भी नहीं है। नहीं आने वाला तुम्हें कोई मैसेज, सीन करके छोड़ दिया उसने। सब्र कर लो थोड़ा, खुदा का वास्ता है। 7 साल मैंने जितना सब्र करना था उतना कर लिया, अब और नहीं। I guess that's it. किसी का भी कोई भी जवाब नहीं आने वाला और मैं हमेशा की तरह इसी घर में भटकती रहूंगी। आ गया जवाब। I asked my sister if she knew any Hira Akil and she looked quite shocked. वो जानना चाहती है कि इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। Let me know and I'll get back to you. इससे को अपनी बहन का नंबर देना। ऐसे ही थोड़ी दे देगी अपनी बहन का नंबर, कुछ और कहना पड़ेगा। क्या बोलोगे कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का भूत मेरे घर में मंडला रहा है और जब तक उसको अपने मरने की वजह नहीं पता चल जाती वो इस दुनिया से नहीं जाएगी। ट्राई करके देखें। उसे लगेगा मजाक है, यकीन ही नहीं आएगा किसी बात पर। वो बहने पक्का मेरा मजाक उड़ा रही होंगी। शिट यार, अबे नहीं करना चाहिए था यार मैसेज। तुमने नंबर तो सही लिया था ना? जाहिर है। पे कॉल क्यों नहीं आई अब तक? आ जाएगी सब्र करो। बाय द वे तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? आई मीन एज फार एज आई रिमेंबर तुम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी मेरी मदद करने में। क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं याद था, इसलिए उम्मीद भी नहीं थी। इतनी मुश्किल से मुझे चीज़ें याद आना शुरू हुई हैं, वो भी पूरे 7 साल बाद। थोड़ी नर्वसनेस तो होगी ना। आई थिंक इट्स हर। स्पीकर पे ला जल्दी। हेलो, हारिस बात कर रहे हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, मेरी बहन ने मुझे आपका मैसेज पढ़वाया। पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, तो मैं तो इग्नोर ही करने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पूछ ही लूँ कि आखिर क्या मज़ा आता है एक मरे हुए इंसान का मजाक उड़ा के। बहुत हंसी आती है। अब मशल बाजी, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप खुद सोचे ना, मुझे ये बात कैसे पता लग सकती थी कि आप और हीरा बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये बात मुझे हीरा ने खुद बताई है। जैसे कि तुमने खुद कहा, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव इन एनी ऑफ दिस। और वैसे भी मेरे बारे में ये सब जानना तुम्हारे लिए वैसे ही मुश्किल नहीं होना चाहिए, सिंस यू नो माई सिस्टर। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। इससे पूछ मैं मरी कैसे थी? हाँ, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप मुझे सिर्फ इतना बता सकती हैं कि हीरा की डेथ कैसे हुई थी? I knew it. तुमने भी बाकी सब की तरह यही फजूल सवाल पूछना होगा। प्लीज ये बकवास सवाल बार बार मुझसे पूछना बंद करो। मेरी बात तो सुने। नहीं मशल बाजी, एक सेकंड मेरी बात सुने। मशल बाजी, क्या मजा आता है मरे हुए इंसान का बार बार मजाक उड़ा के? तुम भी बाकी सब। हेलो, मेरी बात तो सुने। वही फजूल सवाल पूछोगे। उसको हीरो की बात सुन ले। हीरो? ये नाम तुम्हें कैसे पता? ये तो अभी अभी मुझे हीरा ने बताया। वो वाकई तुम्हारे सामने इस वक्त? जी। कैमरे में तो मैं नजर नहीं आऊंगी। इसे देखना क्या है? पता नहीं, कंफर्म करना होगा इसे कुछ सवाल करके। वाह, तो काफी बदल गई यार। अस्सलाम वालेकुम। मैं आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट योर स्टोरी, बट हीरो का ये निकनेम सिर्फ मुझे ही पता था। पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि मेरे कुछ सवालों के जवाब तुम दे सकते हो या नहीं। और अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है? ओके। क्या हीरा मुझे इस वक्त देख सकती है? जी। हीरो? नफरत थी मुझे इस निकनेम से। ओह सॉरी, आई न्यू यू हेटेड दिस निकनेम। अगर तुम यहाँ पे हो, गिव मी अ साइन, एनीथिंग। एक तो ये तुम दोनों ही फजूल हॉरर फिल्म्स देखी हुई हैं। गिव मी अ साइन कौन बोलता है ये? आई एम सॉरी, Was that funny? नहीं, I'm sorry, मैं actually आप पे नहीं हंस रहा था। वो ये हीरा, यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में तुम्हारी मेरे अलावा एक और दोस्त थी, उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। उसका नाम बताओ। ओ भाई, इससे कोई इतना कुछ नहीं याद मुझे। अल्लाह अल्लाह करके तो उसका नाम याद आया। हीरा कह रही है कि उसे कुछ नहीं याद, बल्कि वो अपनी लाइफ की तकरीबन सारी डिटेल्स भूल चुकी है। I knew it, मुझे पता था कि ये मजाक है। तुम लोग को बहुत शौक है ना मेरे। It's not a joke, obviously। आप मैं वो कैसे यकीन दिलाऊं कि आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की। अब यकीन आया ना? ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही किसी ने उसका मर्डर किया था। तो फिर क्या हुआ था? तो फिर हुआ क्या आखिर? आई डोंट नो हाउ टू टेल यू टू बी ऑनेस्ट। यार ये बार बार ऐसे क्यों बोले जा रही है? देखिए हीरा जानना चाहती है आप बार बार ऐसा क्यों बोल रही हैं। इनफैक्ट कॉल पे भी आपको लगा था कि मैं हीरा का मजाक उड़ा रहा हूँ। आखिर ऐसा हुआ क्या था? हीरा की डेथ काफ़ी अनयूजुअल थी आई गेस। देखिए अब बता भी दें, हिरा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। इनफैक्ट आई थिंक यही एक वजह जिस वजह से वो अब तक यहाँ है। ओके, शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील, उसके बाद वो फिसल गई, उसका सर बेड के फ्रेम से जाके लगा एंड देन शी डाइड। And then she died. है? वो एक केले के छिलके में स्लिप होके मर गई। I know how this sounds, but हमें खुद लग रहा था कि वो हमारे साथ प्रैंक कर रही है, पर कुछ दिन उससे बात नहीं हुई तो I called her parents. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। देखें, I'm sorry to say, but मुझे लगता था ऐसा सिर्फ कार्टून्स में होता था। सिर्फ तुम नहीं, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी उसका मजाक उड़ा रही थी। इवन तो एक शख्स की जान चली गई थी, पर किसी को उसका मजाक उड़ाना गलत ही नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। इट्स जस्ट दैट ऑनेस्टली इट्स रियली हार्ड टू बिलीव। आई नो। नहीं, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। इट्स आई रिमेंबर नाउ। क्या मेरी अम्मा ने मुझे खाना खाने के लिए नीचे बुलाया था, पर मैंने थोड़ी देर पहले ही केला खाया था, so I wasn't that hungry। और फिर जाहिलों की तरह छिलका वहीं फेंक दिया। एंड मैं अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी अम्मा को नफरत थी मेरी ऐसी हरकतों से। Karma, I guess. And then I guess I was in a coma for a week. Burst a vein or something. और फिर क्या? What is she saying? Blackout. हारिस क्या हुआ मुझे बताओ। How embarrassing. नहीं वो एक्चुअली हिरा 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 कभी नहीं सोच रहा था एक भूत की कंपनी मिस करूं। तो मैं भी बोर हो रहा हूं यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लास्ट एपिसोड। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी या ये पूरी सीरीज पसंद आई तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स एंड लेट्स नो। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली सीरीज जल्द आ रही है। स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि सिर्फ सीरीज नहीं, हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।